डॉग एंड वुल्फ, यस, हॉर्स एंड डोंकी, क्रोकोडाइल, यस क्रोकोडाइल। कई अलग अलग टाइप के एनिमल के हेड आपको मिलेंगे। उसके अलावा इस टाइप के डेड एनिमल्स को यूज करके ब्लैक मैजिक किया जाता है। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मेरा नाम है तोरवशु। अभी मैं हूँ अफ्रीका के 8th लार्जेस्ट कंट्री माली की कैपिटल बमाको में, और मैं एक इंडियन के यहाँ रुका हुआ हूँ। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैं माली रात में 12 बजे पहुँचा था। हालांकि इस कंट्री में सिक्योरिटी इशू होने की वजह से यहाँ पे व्लॉगिंग करना, ट्रैवल करना, कैमरा यूज़ करना बहुत ज़्यादा टफ है। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ आज आप लोगों को बमाको दिखाने का, इस कंट्री की लार्जेस्ट सिटी और कैपिटल को घुमाने का। तो आज हम लोग निकल रहे हैं बमाको का एक्सप्लोर करने के लिए। मैं पूरा ट्राई करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को दिखाने का, बताने का। यहाँ की आर्मी और पुलिस ने जो मेरे को डिटेन किया था, उन लोगों ने तो मेरे को वार्निंग दी है कि भाई चुपचाप बस एक दो दिन बमाको घूमो और कंट्री छोड़ दो, निकल जाओ। और कोई सेंसिटिव एरिया, पुलिस, आर्मी, चेक पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह, वहाँ बिल्कुल शूट मत करना। देख लो भाई, पूरा घर इस टाइप के बैरिकेडिंग से सिक्योर्ड है। यहाँ पे हर तरफ मेटल की इस टाइप की ये बैरिकेडिंग टाइप की लगी हुई है। हेलो अब्दुल्लाई, गुड मॉर्निंग। रात में ये पूरा क्लोज हो जाता है, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा टाइट है। लोग यहाँ पे रहते हैं ना बहुत ही, रात में तो बोलते हैं रात में घर के बाहर निकलते ही नहीं है, दिन में तो फिर भी चलो ठीक है, रात में काफ़ी इनसिक्योर हो जाता है। अब्दुल्लाई, हाउ आर यू? गुड, एंड यू? या, ओके। सो गाइस, ये अब्दुल्लाई हैं। ये यहाँ पे यार एक से एक टेस्टी डिलीशियस इंडियन खाना बनाते हैं। ये कुक वेरी गुड इंडियन फूड, वेरी प्रोफेशनल। जब मैं यहाँ पे इंडियन खाना खाया ना, मेरे को नहीं पता था कौन बना रहा है। मेरे को लगा कोई इंडियन होगा वो बना रहा है, लेकिन बाद में पता चला ये बनाते हैं। आपको लगेगा कि नहीं कि आप इंडिया के बाहर खाना खा रहे हो। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। सावा 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 भी है। ये किचन है। हेलो, गुड मॉर्निंग। टुडे फॉर लंच व्हाट यू विल कुक? भिंडी फ्राई। भिंडी फ्राई? या अच्छा, यहाँ की भिंडी है भाई, इतनी बड़ी बड़ी भिंडी। ओ माई गॉड, इतनी बड़ी भिंडी। ये देखो भिंडी का साइज देखो। यू विल कुक भिंडी फ्राई? या भिंडी फ्राई एंड चपाती, चपाती एंड दाल एंड राइस। या राइस एंड दाल, सांबर एंड राइस। ओके ओके, मर्सी मर्सी बुकू, मर्सी बुकू। तो भाई ये ब्रेकफास्ट है। अच्छा, आज पोहा बनाया। वाह भाई वाह। तो भाई अपना ये आज का ब्रेकफास्ट, पोहा विद अनियन। तो अभी मैं वापस अपने रूम पे आ चुका हूँ। सेम लाइक मोरक्को, सेम लाइक मॉरिटानिया, फ्रांस ने मालिक के ऊपर ऑलमोस्ट 60 ईयर तक रूल किया है। और जब फ्रांस ने मालिक के ऊपर रूल किया था ना, तो फ्रांस ने मालिक का नाम चेंज करके फ्रेंच सूडान कर दिया था। तो माली नाम पढ़ने से पहले इस कंट्री का नाम हुआ करता था फ्रेंच सूडान। फिर उसके बाद माली एंड सेनेगल, जो कि माली की नेबरिंग कंट्री है, दोनों ने मिल के फ्रांस से इंडिपेंडेंस लिया। जब ये दोनों कंट्री साथ में थी तब पूरी कंट्री का नाम हो करता था माली फेडरेशन। फिर फ्रांस से इंडिपेंडेंस लेने के कुछ महीने के बाद ही सेनेगल अलग हो गया और सुडानीज रिपब्लिक का नाम पड़ गया माली, जहां पर अभी हम हैं। अब्दुल्ला, पोहा वेरी गुड, सावा वेरी गुड, सावा बट वेरी स्पाइसी अगेन। या वेरी स्पाइसी, वेरी रेड चिल्ली, नॉट सो रेड चिल्ली। ओके ओके, दैट रेड चिल्ली, रेड चिल्ली मोर, माय होल स्टमक इज बर्निंग। नो प्रॉब्लम, आफ्टर I will make small. Thank you, merci. Yeah, merci. So guys, ये है ओस्मान। हेलो, हेलो, हाउ आर यू? I'm good. How are you? Good. Fine, fine. You're from Bamako. Bamako, yeah. You're born in Bamako. Yeah. You're Malian. तो मैं इनके साथ निकलने वाला बमाको को एक्सप्लोर करने के लिए ओस्मान के साथ। Okay, Dulay. See you. Okay, merci. Merci. Okay, merci. Good morning, Mohan ji. कैसे हैं आप? बढ़िया। तो गाइस, ये भाई हैं मोहन, आप राजस्थान से हैं? राजस्थान, अजमेर से। अभी आप? आज मैं निकल रहा हूँ बमाको को एक्सप्लोर करने के लिए। आप कितने टाइम से यहाँ पे हैं माली में? 3 साल हो गए। 3 साल हो गया। ये अंतवान है, वो थॉमस है, वो बूबा है, वो थॉमस। बूबा एंड थॉमस, बूबा थॉमस ब्रीज। बोंजोर बोंजोर बोंजोर। सब पूरी टीम है आपकी? यहाँ ओके, सब साथ में काम करते हैं। ओके, चलिए फिर आपको शाम को मिलता हूँ मैं। ओके भाई, सब लोग मोटो से निकले हुए हैं। यहाँ पे बाइक को मोटो बोलते हैं। अच्छा, मोटो है उसमें? या मोटो, मोटो मोटो बाइक। तो फाइनली आज माली की कैपिटल बमाको का एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, तो मे बी साउंड उतना अच्छा ना आए। तो गाइस, अभी आप लोगों ने देखा कि मैं उस्मान के साथ माली की कैपिटल बमाको को एक्सप्लोर करने के लिए निकला था। मैं यहाँ की जो सबसे बड़ी मेन मार्केट है,
जिसका नाम है सिटी मार्केट या बिग मार्केट, मैं इसको गया था एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन ये ऐसी एक कंट्री है माली जहाँ पर पब्लिकली कैमरा यूज़ करना बहुत बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जब मैं मार्केट गया और व्लॉगिंग करना शुरू किया, जो कोई भी मेरा कैमरा देख रहा है तुरंत मना कर रहा है, भाई कैमरे में नहीं आना, या तो अपना सर्च पा ले रहा है। कुछ लोग तो एग्रेसिव भी हो जा रहे हैं, 10 में से 9 लोग तो भाई सीधे मना कर दे रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई यार मेरे को इस सिटी को कैमरे के साथ एक्सप्लोर करने के लिए। माली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की 8th लार्जेस्ट कंट्री है और पूरे माली की पॉपुलेशन अराउंड 20 मिलियन है, यानी कि लगभग 2 करोड़ लोग इस कंट्री में रहते हैं। और माली की कैपिटल बमाको की पॉपुलेशन अराउंड 3 मिलियन है, यानी कि 30 लाख, नॉकशॉट का ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। जैसे कि हर कंट्री में अलग अलग एथनिक ग्रुप्स होते हैं, वैसे माली में भी काफ़ी सारे एथनिक ग्रुप्स हैं। यहाँ पे जो लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप्स है उसका नाम है बम्बारा, अराउंड 33.33%, यानी कि 1/3 जो एथनिक ग्रुप है माली में वो बम्बारा है। बम्बारा लोग सबसे ज़्यादा है माली में। सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप फूला है, जो कि सेनेगल में भी सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है। मैंने आप लोगों को इसके पहले एक वीडियो में बताया था, फिर से बता रहा हूँ, माली की अराउंड 90% पॉपुलेशन सुन्नी इस्लाम को फॉलो करती है और 5% क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, बाकी जो 5% है वो यहाँ की अदर रिलीजन या अदर बिलीफ को फॉलो करती है। तो जब मैं रोड पर निकला यहाँ पर मोटो से, तो मैंने देखा यार कि सिटी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हर जगह ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, लंबी लंबी कार्स की मोटोबाइक की क्यू लगी हुई है यहाँ पे। और मैं काफ़ी सरप्राइज था जब मैंने देखा कि माली यार बहुत ही पुअर कंट्री में गिना जाता है, बहुत ही पुअर कंट्री माना जाता है, फिर भी उसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारी महंगी प्रीमियम लग्जरी कार मेरे को रोड पर दिखी। मेरे को यहाँ पर कुछ लोग बता रहे थे कि बमाको में टोयोटा की जो लग्जरी और महंगी कार है, लाइक प्राडो हो गई, लैंड क्रूज़र वगैरह हो गई, यहाँ पर कॉमन है, कैन यू बिलीव। उसके अलावा बहुत सारी कार मेरे को हुंडई किया की तो लेटेस्ट मॉडल यहाँ पे दिखी, जो कि मैं देख के सरप्राइज था। यहाँ पर कार की इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम चार्जेस वगैरह बिल्कुल ज़ीरो है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो सब लोगों को यहाँ पे ना कार वगैरह काफ़ी सस्ती पड़ जाती है, इंटरनेशनल रेट से ऑलमोस्ट 50% के आसपास रेट यहाँ पर पड़ जाती है उनको। और यहाँ पर मैंने रोड पे नोटिस किया काफ़ी सारी बाइक मेरे को TVS एंड बजाज की दिखी, इवन कई सारे बिलबोर्ड भी यहाँ पर TVS बजाज के लगे हुए थे। तो लोग बता रहे थे कि यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है इंडियन बाइक TVS एंड बजाज, यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम भी। माली अफ्रीका का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड है, आफ्टर साउथ अफ्रीका एंड घाना। उसके बावजूद माली वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड में आता है। माली कंट्री की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है, उनकी डेली की इनकम लगभग $1.25 से भी कम है, इतनी कम, पर डे ₹100 से भी कम कमाती है। कुछ लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिच हैं, जो यहाँ के बिजनेस मैन हैं, तो वही सब लोग महंगी कार यहाँ पे ओन करते हैं। और यहाँ की गवर्नमेंट मिलिट्री जंटा के अंदर में है, पूरी गवर्नमेंट यहाँ की अनस्टेबल हो चुकी है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था। अनटिल 2012, यानी कि आज से 10 साल पहले तक, माली बहुत ही सेफ कंट्री हुआ करता था और ये वेस्ट अफ्रीका का टूरिज्म हब हुआ करता था, यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। बट यहाँ पर 2012 में काफ़ी सारे रिबेल्स ने अटैक किया, कंट्री को अनस्टेबल कर दिया पिछले 10 साल से। अभी हम बमाको में हैं, जो कि माली के साउथ में पड़ता है। जो माली का नॉर्थ पार्ट है ना, वो कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल है, रिबेल्स के हाथों में है। यहाँ के जो रिबेल्स हैं, अलकायदा हैं, लोकल मिलिटेंट्स वगैरह हैं, उन लोग माली में शारिया लॉ चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ आई है कि माली में 130 लोकल्स को, सिविलियंस को, यहाँ के जो मिलिटेंट्स हैं उन लोग जिहादिस्ट अटैक करके उन सिविलियंस को मार दिए हैं। काफ़ी न्यूज़ आती रहती है हर समय, इस कंट्री में अटैक होते रहते हैं और लोग अपनी लाइफ गंवाते रहते हैं, जो कि बहुत ही दुख वाली बात है। अनटिल 2012 तक, जब तक ये कंट्री सेफ थी, यूरोप में हंगरी की कैपिटल बुदापेस्ट से माली की कैपिटल बमाको तक ना रैली हुआ करती थी, ऑफ रोड रेस हुआ करती थी, इतनी लंबी, फ्रॉम यूरोप टू वेस्ट अफ्रीका। यहाँ पर लोग ना मेरे को बहुत मिक्स टाइप के दिखे, कुछ लोग तो यार बहुत ही ज़्यादा गरीब दिखे, कुछ लोग ठीक ठाक पैसे वाले दिखे मेरे को। इस कंट्री में लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा कम है, 30-40% के बीच में इस कंट्री में लिटरेसी रेट है, और वुमेन के बीच वो भी कम है। बमाको की जो सेंट्रल मार्केट थी या बिग मार्केट थी, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा रश है, पूरी रोड, पूरी लेन मोटो से और लोगों से भरी हुई, चलने की भी जगह नहीं है। काफ़ी सारी यहाँ पे एक लाइन से कपड़ों की शॉप थी, शूज़ की शॉप थी, और कई अलग अलग वैरायटीज़ के आइटम, हाउस होल्ड स्टफ्स की शॉप थी यहाँ पे। मार्केट में कई सारे ट्रेडिशनल क्लोथ मिल रहे थे, मैन वुमेन दोनों के, और काफ़ी सारे लोकल्स भी यहाँ पर मेरे को ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहने हुए दिखे। बमाको में काफ़ी सारे हाई एंड सुपर मार्केट भी है, जहाँ पर आपको दुनिया भर के सारे प्रोडक्ट, सारे सामान मिल जाएंगे। इवन दो ये इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, फिर भी यहाँ के शॉप्स में और सुपरमार्केट वगैरह में अल्कोहल
हर जगह आपको मिलेगा, इजली मिलेगा, बट जिस स्पेशल रीज़न की वजह से मैं यहाँ की मार्केट गया वो था फेटिश मार्केट या वुडू मार्केट, जो कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो। आई एम श्योर इस टाइप की मार्केट आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी होगी, ये आपको सिर्फ अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में ही मिलेंगे। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज सेडू। सेडू? सेडू, यस। ओके, सो ऑल दिस इज फेटिश मार्केट। ए मार्केट इज आर्टिसनल मार्केट। आर्टिसनल एंड फेटिश मार्केट, दैट इज द ट्रेडिशनल माली, यू नो, इज ए मेडिसिन मालियन, यू नो द मेडिसिन, ट्रेडिशनल मालियन मेडिसिन। यस, ट्रेडिशनल मालियन मेडिसिन। ओके, यस। एंड द मालिया इज ए फैमिली, इज द सेम। India Mali is a family. It's a family. We are same. Yeah, it's the same people. Yeah. Crocodile. Crocodile. Yes, a crocodile. And a snake. Yes, snake. Dog and wolf. Yes. A wolf. Horse and donkey. इस fetish market में आप लोगों को monkey head मिलेगा, क्रोकोडाइल हेड मिलेगा, डॉग हेड मिलेगा, लॉयन हेड मिलेगा, कई अलग अलग टाइप के एनिमल के हेड आपको मिलेंगे। उसके अलावा डोंकी एंड हॉर्स के ईयर, हॉर्न हो गया, ये सब आपको मिलेगा। काफ़ी अलग अलग वैरायटी के आपको डेड बर्ड्स मिलेंगी, पैरट्स मिलेंगे, बैट्स मिलेंगे। इवन बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आप डिमांड करोगे तो आपको यहाँ पे ह्यूमन हेड भी मिल जाएगा, जो कि आप लोगों को पब्लिकली रखा हुआ नहीं दिखेगा। ये सारे डेड एनिमल्स इस रीजन के एंशियंट रिलीजियस रिचुअल के काम आते हैं और ब्लैक मैजिक के भी काम आते हैं। जी हाँ, माली और बहुत सारे वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ में इस टाइप के डेड एनिमल्स को यूज़ करके ब्लैक मैजिक किया जाता है, और अलग अलग एनिमल के अलग अलग पार्ट के अलग अलग यूसेज है डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, डिफरेंट डिजीजेस को सॉल्व करने के लिए, क्योर करने के लिए। जब यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम होती है तो लोग एडवांस चीज़ों के बजाय यहाँ के जो पुरानी एशियन चीज़ें हैं उस पर भरोसा करते हैं, इन सब डेड एनिमल्स के पार्ट को यूज़ करते हैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बीमारी को हटाने के लिए। यानी कि लोग आज भी इस एशियन पुराने चीज़ों को प्रीफर करते हैं। कैन यू बिलीव, वुडू मार्केट या फेटिस्ट मार्केट, इसको सब लोग देख भी नहीं सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डरावना है ये। जब अफ्रीकन कंट्रीज़ में इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी नहीं आई थी तब वुडू ही एज अ रीजन काम करता था इन सब रीजन में। ओ भाई साहब, देखो कितनी सारी यहाँ पे मोटो है यार, कितनी सारी बाइक है यहाँ पे, कोई हद नहीं, हर तरफ मोटो ही मोटो है यहाँ पे, और मैक्सिमम ब्लू कलर की, थोड़ी बहुत रेड भी है। यहाँ पर जो फेटिश मार्केट है ना, इतनी बुरी स्मेल है यहाँ पे, क्योंकि इतने सारे एनिमल के यहाँ पे पार्ट्स हैं, इतने पुराने पार्ट्स हैं, कुछ ख़राब हो चुके हैं, कुछ फर्मेंट हो चुके हैं, मैं क्या ही बताऊँ। बहुत देर तक यहाँ कोई रह भी नहीं सकता, बट यहाँ पे लोग उसको बेचते हैं, पूरे दिन साथ रहते हैं, पूरी लाइफ साथ रहते हैं इसको बेचने के लिए। मेरे तो बहुत मुश्किल है भाई, थोड़ी देर भी रहना है यहाँ पे। द बिगेस्ट मॉस्क ऑफ बमाको। बमाको, यस, दिस मॉस्क। सो गाइस, यहाँ पे देखो पूरा बमाको की जो मेन मार्केट है, सेंट्रल मार्केट है, विजिबल है यहाँ से, कितनी ज्यादा बड़ी मार्केट है। और सामने ये मॉस्क है, द बिगेस्ट मॉस्क ऑफ बमाको। कितनी सारी यहाँ पे बाइक है, मोटो है, लग्जरी कार है, और लोग भी काफी ज्यादा है, शॉप भी, सब कुछ यहाँ पे ज्यादा है भाई, क्वान्टिटी में सब ब्रोंज। ओके, handwork made, yeah, handwork is Mali, is a handwork. Okay, and all are metal or are bronze, made from bronze? Yes, that is bronze. Okay, to bhai sab kuch yahan pe bronze se bana hua hai, yahan pe kafi sare animal hai, inke ancient god hai, dekh sakte ho aap, ye sab inke ancient god ki wo hai, statue hai. This one is a mask for the, it's a mask. Yeah, the mask, traditional mask, the Tuareg mask. Tuareg mask, दो बाल है, बम्बारा, मेल एंड फीमेल, दिस इज अ टुआरेग, टुआरेग, देखो ये आर्टिस्ट का काम कर रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं। हिप्पो एलिफेंट, हिप्पो, हिप्पोपोटामस। बमाको वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन द वर्ल्ड में आता है, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ पर मेरे लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक आदमी की तीन चार वाइफ होना कॉमन है, और एक वाइफ से तीन चार बच्चे होना कॉमन है, यानी कि एक आदमी के एक लोगों से 12 से 16 या 20 बच्चे तक भी होते हैं इस कंट्री में। जब माली को इंडिपेंडेंस मिला था फ्रांस से, तब बमाको सिटी की कैपिटल सिर्फ और सिर्फ 160,000 हुआ करती थी, और 60 साल में इसकी पॉपुलेशन 160,000 से 30 लाख पहुँच चुकी है।
इसलिए इस सिटी को वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन द वर्ल्ड बोला जाता है। बमाको सिटी में तो कई सारी रोड है, बट यहाँ की जो मेन रोड है ना सिर्फ वही बनी हुई है, उसके अलावा बाकी सारी रोड बनी नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी क्योंकि मेरे को भी हुई। आज के टाइम पर तो माली बहुत ही गरीब देश में आता है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है, बट एक टाइम पे माली दुनिया का अमीर देशों में से एक हुआ करता था। इवन कुछ लोग बोलते हैं कि माली दुनिया का सबसे अमीर देश भी हुआ करता था एक टाइम पे। दुनिया के सबसे ज़्यादा पैसे वाले एम्पायर माली में रहा करते थे। इवन माली का मतलब भी होता है द प्लेस वेयर किंग लिव। आज से 600-700 साल पहले 13-14 सेंचुरी में यहाँ पे माली के किंग हुआ करते थे, उनका नाम था मंसा मूसा। उनको अब तक की ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पैसे वाला और सबसे अमीर इंसान माना जाता है, बोला जाता है, जो कि माली से थे। कैन यू बिलीव माली इतना अमीर देश और इतना अमीर एम्पायर कैसे हुआ करता था? क्योंकि माली पहले 3 वेस्ट अफ्रीकन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था, इंक्लूडिंग गाना एम्पायर, जो कि कंट्रोल करता था ट्रांस सहारा ट्रेड। इसके बारे में मैंने आप लोगों को मॉरिटानियम बताया था। ट्रांस सहारा ट्रेड में गोल्ड एंड सॉल्ट की ट्रेडिंग हुआ करती थी, उसके अलावा ह्यूमन स्लेव्स की भी ट्रेडिंग हुआ करती थी। जी हाँ, तो अपने पीक टाइम पे माली बहुत बड़ा हब हुआ करता था ट्रांस सहारा ट्रेड का, और उस टाइम पे ना गोल्ड एंड सॉल्ट की वैल्यू कीमत बराबर हुआ करती थी। लोग बार्टर सिस्टम्स एक्सचेंज करते थे गोल्ड एंड सॉल्ट को। एक एरिया में यानी कि सब सहारन एरिया में गोल्ड हुआ करता था, और कोस्ट के आसपास सब सहारा और सहारा के रीजन के ऊपर सॉल्ट हुआ करता था। तो एक दूसरे एरिया में दोनों की चीज़ों की स्कैसिटी थी, तो एक्सचेंज हुआ करता था। इस वजह से माली काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गया था, काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला रीजन और एम्पायर हो चुका था। उसके कई सारे सालों के बाद जब यूरोपियन पावर ने अफ्रीका के कई सारे कंट्री और रीजन पहुँचने के लिए सी रूट को डिस्कवर किया, सी रूट को फाइंड किया, तो ट्रांस सहारन ट्रेड का सिग्निफिकेंस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। और फिर उसके बाद ये सारी कंट्री, ये सारे रीजन डिक्लाइन होने लग गए हैं, के पास पैसे वगैरह कम होने लग गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइम 30 साल पहले 1992 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, उसके बावजूद यहाँ पे उसके बाद मिलिट्री कूप हुए। प्रेजेंट टाइम मिलिट्री ही इस कंट्री को कंट्रोल कर रही है, जो थोड़े बहुत बचे हुए एरिया हैं रिबेल्स हैं। इस कंट्री के अंदर कई सारे मिलिटेंट्स एंड कई सारे जिहादिस्ट ग्रुप हैं जो इस कंट्री को ब्रेक करना चाहते हैं और एक अलग अपनी कंट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन वो अभी सक्सेस हो नहीं पाए हैं क्योंकि अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कंट्री में सिविल वॉर चल रहा है। आई डोंट नो आगे क्या होने वाला है इस कंट्री में। माली में जो मिलिटेंट्स स्पेशली अलकायदा मिलिटेंट्स स्पेशली वो फॉरनर्स को टारगेट करते हैं, तो कई सारे फॉरनर्स की लाइफ गई है इस कंट्री में। इस वजह से इस कंट्री में UN पीस कीपिंग फोर्स भी है, UN ने अपना पीस कीपिंग फोर्स भेजा है ताकि सिचुएशन थोड़ी बहुत कंट्रोल में रहे और फॉरनर्स वगैरह सेफ रहे। माली के इकोनॉमी के बारे में बात कर लेते हैं। माली की इकोनॉमी 3 चीज़ों पे बेस्ड है, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड फिशिंग। यहाँ पर एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा होता है, इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि अराउंड 80% लोग यहाँ पे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। उसके अलावा क्योंकि इस कंट्री में काफ़ी लंबे रूट पे नाइजर रिवर फ्लो कर दी है, तो यहाँ पे फिशिंग बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे फिश का कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, फिश को यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया जाता है। उसके अलावा इस कंट्री में माइंस काफ़ी ज़्यादा हैं, गोल्ड के माइन हैं, अलग अलग मिनरल, अलग अलग मेटल के माइन हैं, और अभी रिसेंटली यहाँ पर डायमंड माइन भी डिस्कवर किया गया है। काफ़ी सारी इंडियंस एंड चाइनीज कंपनीज माली में ऑपरेट करती हैं, और यहाँ पर कई सारे बिजनेस के हेड जो है वो इंडियंस के अंडर में हैं और चाइनीज़ के अंडर में भी हैं, तो यहाँ पे इंडिया और चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है इस कंट्री की इकोनॉमी में, ऐसा भी लोग यहाँ के बोलते हैं। इतनी सारी कंट्रीज़ ट्रैवल करने के बाद माली मेरी ऐसी पहली कंट्री है जहाँ पर मेरे को व्लॉगिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ मैं व्लॉगिंग बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ व्लॉगिंग वही कर सकता है जो यहाँ पे काफ़ी टाइम रहा हो, जो लोकल लोगों को जानता हो, उनके कल्चर को जानता हो, थोड़ा बहुत लैंग्वेज जानता हो, जो लोकल लोगों से मिक्स हो चुका हो, वही यहाँ पर व्लॉगिंग ईजिली कर सकता है। तो गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं वेस्ट अफ्रीका के लॉन्गेस्ट एंड मेन रिवर के बैंक में। तो अलग अलग लैंग्वेज में इस रिवर का नाम का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, नाइजर, नाइगर, नीजर। तो ये है वेस्ट अफ्रीका की आइकॉनिक नाइजर रिवर। वेस्ट अफ्रीका की लॉन्गेस्ट रिवर होने के साथ साथ पूरे अफ्रीका की ये थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर नाइल रिवर एंड कॉन्गो रिवर। बमाको सिटी नाइजर रिवर के बैंक पे लोकेटेड है। इस रिवर पे ना 3 ब्रिज बने हैं, इनका नाम है ब्रिज 1, ब्रिज 2, ब्रिज 3। तो कुछ लोकल यहाँ पे कपड़े वगैरह वॉश करते हुए और सुखाते भी हुए हैं यहाँ पे। नाइजर रिवर वेस्ट अफ्रीका में 5 कंट्री से होके गुजरती है, 5 कंट्री में फ्लो करती है, स्टार्टिंग फ्रॉम गिनी, माली, नाइजर, बेनिन एंड नाइजीरिया। उस्मान, दिस बिल्डिंग सेंट्रल बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीका, 14 कंट्रीज। ओके, ऑल द सेफा, द कंट्री विच यूज सेफा। ओके,
तो आपको ये जो बिल्डिंग दिख रही है, आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये बिल्डिंग, ये वेस्ट अफ्रीका का सेंट्रल बैंक है ये, क्योंकि यहाँ का जो करेंसी है ना सेफा, ये टोटल 14 कंट्रीज में यूज़ होती है। 8 कंट्रीज में इसका नाम है वेस्ट अफ्रीकन सेफा और 6 कंट्रीज में इसका नाम है सेंट्रल अफ्रीकन सेफा। रिवर यार काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, और ये रिवर के अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे लोग भी यार कपड़े सुखा रहे हैं, कपड़े को फोल्ड कर रहे हैं, कपड़ा रख रहे हैं, कपड़ा उठा रहे हैं। माली की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है, काफ़ी लोग यहाँ पे फ्रेंच बोलते हैं। सारा ऑफिशियल काम यहाँ पे जितनी भी बिजनेस है, बिलबोर्ड है, सब कुछ फ्रेंच में है। बम्बारा लैंग्वेज फ्रेंच के साथ साथ माली की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और माली में मैक्सिमम लोग बम्बारा लैंग्वेज बोल सकते हैं। दे स्पीक बम्बारा लैंग्वेज, बम्बारा, यू ऑल्सो स्पीक बम्बारा, बम्बारा इन फ्रेंच, बम्बारा, ओके, मोस्ट पीपल इन माली दे स्पीक बम्बारा लैंग्वेज, बम्बारा, ओके। तो भाई ये हमारी मोटो जिससे हम लोग आए हैं, ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। आप लोगों को माली कैसा लगा है, आप लोगों को माली की कैपिटल बमाको कैसी लगी, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, सबके साथ शेयर करिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। आप लोगों को मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और हाँ, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो आप लोग मेरे को फॉलो कर सकते हैं, ये मेरी आईडी है जो कि मेरा नाम है तुर्वशु। तब तक अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।